हेलो भाइयों, इस वीडियो के अंदर अपने पर बात करेंगे जो आज के दिन ईसीएस ऑस्ट्रेलिया टी20 का मैच नंबर 22 होगा जो खेला जाएगा सनासी और ग्रेस क्रिकेट एकेडमी के बीच में। तो इस मुकाबले की पूरी जानकारी आपको वीडियो में दूंगा, बस आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो जो है लास्ट तक वॉच करना है, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। मुकाबला जो है दोपहर में 2:30 बजे स्टार्ट होगा और मैच जो है सेम वेन्यू पर खेला जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर जो पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ दिया हुआ है। बात करें पिच रिपोर्ट की तो बिल्कुल सेम है, 20 मुकाबले हुए हैं, 12 जीते, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 8 में चेज हुआ है। आर्टिफिशियल विकेट रहता है तो पिच के बिहेवियर में आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सनासी टीम की। सनासी टीम की तरफ से लास्ट मैच में ओपन किया लखमल कस्तूरी और यहाँ से किशान दलपतलू, फिर यहाँ पर आए जनन गेलजाई, सत्यम सुभाष, जमील ब्रह्मखिल, यहाँ पर मोनी ब्रह्मखिल, फरादीन मोहिद्दीन, बसित इकबाल, हमजा भट्टी, दिवित विजय शेखरा, अमित नथवानी। एक चीज़ ध्यान में रखना, ये इनकी टीम का आज के दिन का दूसरा मैच रहेगा। पहला जो मुकाबला इनका वो स्टार्ट होगा 12:30 बजे, तो उस मैच से भी आपको बहुत कुछ आइडिया यहाँ पर लगने वाला है। स्टैट्स की बात करें, इनकी टीम ने 3 मुकाबले खेले हैं, 2 जीते 1 हारे। लास्ट मैच में ओपन किसने किया, लखमल कस्तूरी और किशान दलपतलू। अब देखो, लखमल कस्तूरी के नाम अगर आप देखोगे, 3 मैच में 6 ओवर डाल के 6 विकेट हैं और बल्ले से 88, 17 और 22 हैं, बहुत शानदार रिकॉर्ड है। किशान दलपतलू के नाम यहाँ पर आप देखोगे तो 3 मैच में 6 ओवर डाल के 3 विकेट है, बल्ले से 43 और 40 हैं। जनन गेलजाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, 50, 35, 48 हैं। सत्यम सुभाष 0 विकेट 4 रन और 41 0 विकेट है, पहली बैटिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जमील ब्रह्मखिल 9 बैटिंग 7 नॉट आउट है। मोनी ब्रह्मखिल 9 बैटिंग 22 0 विकेट है। तो यहाँ से देखो, मेन प्लेयर मेरे हिसाब से हैं लखमल कस्तूरी, किशान दलपतलू, जनन गेलजाई और सत्यम सुभाष आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है उस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट जो प्लेयर है यहाँ पर फरहान मोहिद्दीन, लास्ट मैच खेला 9 बैटिंग रहा था। बसित इकबाल के नाम 3 मैच में 6 विकेट है, 5 ओवर डाल के। हमजा भट्टी दोनों मैच में 9 बैटिंग रहा है। दिवित विजय शेखरा 3 मैच में 4 ओवर डाल के 2 विकेट है। अमित नथवानी 3 मैच में 5 ओवर डाल के 4 विकेट है। तो यहाँ से देखो, बसित इकबाल और अमित नथवानी तो मेन बॉलर हैं ही सही, लेकिन अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो दिवित विजय शेखरा भी एक अच्छा पिक आपके लिए बन सकता है। बाकी ये इनके बेंच के प्लेयर हैं, अगर कोई खेलता है तो ये भी इनके बेंच के प्लेयर हैं। और लास्ट मैच में इनकी तरफ से पावर प्ले के ओवर डाले थे एल कस्तूरी के दलपतलू और डेथ में आए थे सत्यम सुभाष, एम ब्रह्मकिल और यहाँ से के दलपतलू। अब बात करेंगे दूसरी टीम यानी कि ग्रेस क्रिकेट एकेडमी की टीम की, जिनका ये पहला मुकाबला होने वाला है। इनकी तरफ से जो ओपनिंग कर सकते हैं, देखो इनका क्या बैटिंग ऑर्डर रह सकता है, इनकी तरफ से मोस्ट लाइकली ओपन कर सकते हैं शौकत दुरानी और शमरगुल मैसलन, फिर आ सकते हैं भरत गौड़ा, हमीद शफी, अक्षय वाघ, योगेश बेलागे, यहाँ से आप देख सकते हो अस्तिक शाह, यहाँ से मेवंद मोहम्मद, मंशूर शफी, अब्दुल जबरखिल और यहाँ से अबिदुल्ला कोतवाल। तो ये इनकी टीम का मोस्ट लाइकली प्लेइंग 11 रह सकता है विद बैटिंग ऑर्डर। अब देखो स्टैट्स की बात करना तो शौकत दुरानी और समरगुल मैसलन ओपन कर सकते हैं। शौकत दुरानी इसने ना देखो टी10 में 10 मैच खेले जिसमें 190 रन और 10 विकेट 18 ओवर डाल के, मतलब बैटिंग बॉलिंग दोनों बहुत अच्छी करता है। और हाल ही के टाइम में इसने टेनिस बॉल से टी20 के 3 मुकाबले खेले हैं, उसमें 9 रन किए हैं और 2 विकेट 4 ओवर डाल के। तो बढ़िया ऑलराउंडर प्लेयर मैं इसको मानता हूँ। रिसेंट फॉर्म 44 0 विकेट 26 2 विकेट 0 2 विकेट 2 1 विकेट है। समरगुल मैसलन है, इसने देखो 2023 के अंदर 11 टी10 में 193 रन किए, 3 विकेट 7 ओवर डाल के। मेन काम इसका बैटिंग है। रिसेंट फॉर्म 9 बैटिंग 5 0 विकेट 9 बैटिंग 8 1 विकेट और 61 है। भरत गौड़ा है, 2023 में 10 टी10 में 129 रन 0 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 21 0 15 4 7 है। हमीद शफी एक और ऑलराउंडर प्लेयर है, 10 टी10 में 160 रन 11 विकेट 14 ओवर डाल के, और अभी जो टेनिस बॉल से 2 मुकाबले खेले उसमें 40 रन और 1 विकेट 5 ओवर डाल के। रिसेंट फॉर्म 0 2 विकेट 28 1 विकेट 0 1 विकेट और 1 2 विकेट है, बढ़िया बॉलर है हमीद शफी भी। अक्षय वाघ, इसने देखो टी10 वगैरह नहीं खेले, अभी टेनिस बॉल के 2 मुकाबले खेले उसमें 74 रन किए और 0 विकेट 5 ओवर डाल के। योगेश बेलागे 30 टी10 में 402 2 विकेट है, ये अगर नीचे बैटिंग करता है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, और अभी टेनिस बॉल से 2 मुकाबले खेले जिसमें 67 रन 4 विकेट 3 ओवर डाल के। रिसेंट फॉर्म 9 बैटिंग 1 8 53 12 है। तो यहाँ से जो अभी के लिए मेन प्लेयर है वह शौकत दुरानी, समरगुल मैसलन, हमीद शफी, ये 3 प्लेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है
इसके अलावा अगर आप रिस्क ले रहे हो तो आप भरत कौड़ा या फिर योगेश बिलागे में से किसी को पिक कर सकते हो। नेक्स्ट प्लेयर है यहाँ से आस्तिक शाह, 2 T10 में 1 विकेट है 2 ओवर डाल के, और अभी जो 2 T20 खेले उसमें 6 रन और 5 विकेट है 7 ओवर डाल के। मेवंद मोहम्मद विकेट टेकर बॉलर है, 5 मैच में 30 रन 4 विकेट है 7 ओवर डाल के, अभी जो T20 चल रहे हैं वहाँ पर 3 मैच में 44 8 विकेट है 9 ओवर डाल के। रिसेंट फॉर्म नो बैटिंग 0 विकेट 2 3 विकेट 15 0 विकेट 13 1 विकेट है। मंशूर शफी 9 T10 में 27 रन है, T20 में 3 मैच में 15। रिसेंट फॉर्म नो बैटिंग नो बैटिंग नो बैटिंग नो बैटिंग और 16 है। अब्दुल जबर खेल 3 T10 में 2 विकेट है, T20 में 2 मैच में 4 विकेट है, विकेट टेकर है ये भी थोड़ा सा। अबीदुल्ला कोतवाल 5 T10 में 1 विकेट है, अभी जो T20 चल रहे हैं वहाँ पर 2 मैच में 24 0 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 6 0 विकेट 8 0 विकेट 11 0 1 विकेट है। तो यहाँ से देखो मेन जो दो बॉलर है वो है मेवन मोहम्मद और अब्दुल जबर खेल। इसके अलावा अष्टिक शाह आपके लिए एक ट्रंप बन सकते हैं अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही है इनकी उस कंडीशन में। बेंच में जो प्लेयर है विक्रम चौधरी है जिनके नाम T20 के अंदर 10 मिनट में 235 है। नजीबुल्ला नियाजी, इसने भी जो हाल ही में टेनिस बॉल से मैच चल रहे हैं वहाँ पर ओपन किया है जिसमें 3 मैच में 103 रन है। और यहाँ से नगीबुल्ला सुल्तानजाई, इनके नाम 2 मैच में 15 रन 2 विकेट थे 4 ओवर डाल के। तारिक अजीज 2 मैच में 0 विकेट थे 6 ओवर डाल के। सज्जाद मोहम्मद 3 T20 में 5 विकेट थे 10 ओवर डाल के। और पमीर जरवार यहाँ पर 2 मैच में 18 रन थे। तो सारे प्लेयर के स्टेट्स मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। इनकी तरफ से पावर प्ले के ओवर डाल सकते हैं मेवन मोहम्मद एस दुरानी, डेथ में आ सकते हैं एच शफी एस दुरानी और मेवन मोहम्मद। एनालिसिस वाला जो पार्ट इस मैच का हो चुका है कंप्लीट, अब चलेंगे डेमो टीम की तरफ। उससे पहले टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ज़रूरी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के अंदर पहले कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। फिलहाल के लिए डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से रखा है जय ब्रह्मखिल, यहाँ से जय गेलजाई, एल कस्तूरी, के दल पतलू, यहाँ से एस मैसलन, स्वकत दुरानी, एम मोहम्मद और एच शफी, यहाँ से सत्यम सुभाष, बी इकबाल और ए नथवानी। कैप्टन मेरे यहाँ पर एल कस्तूरी, वाइस कैप्टन एस दुरानी। बाकी फाइनल टीम मिलेगी टेलीग्राम पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।